नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड का दौरा करेंगे। बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे वह झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। जनसुराज अभियान अब राजनीतिक दल बनने जा रहा है। बता दें कि आज गांधी जयंती के अवसर पर पटना के वेटनरी कॉलेज में एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनसुराज को एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस आयोजन में प्रशांत किशोर के साथ हुई सेवानिवृत्त आईएएस आईपीएस अधिकारी और अन्य राजनीतिक दलों से आए नेता भी शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गांधी जयंती पर सेंट्रल पार्क स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ खास निर्णय लिए हैं, जिसमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों, मूल्यों और उनके जीवन के सभी संघर्षों को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए निर्देश पर आज पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग गांधी वाटिका का संचालन भी करेगा। गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी आज आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार गांधी जयंती के अवसर पर प्रातः 7:30 बजे गांधी चौक गोल बाजार में माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं प्रातः 9 बजे शिव चौक से किसान चौक तक सफाई अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में आज शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने इसका आदेश जारी कर दिया है। गांधी जयंती के अवसर पर सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राजस्थान के बीकानेर में अग्रवाल समाज की ओर से आज अग्रसेन जयंती समारोह मनाया जाएगा। अग्रसेन जयंती महोत्सव का मुख्य आयोजन शहर के 3 भागों के निकलने वाली शोभा यात्रा है। ये शोभा यात्रा गोगा गेट, जयनारायण व्यास कॉलोनी और समता नगर से निकलकर मॉडर्न मार्केट स्थित अग्रसेन सर्किल तक जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन IPSEF ऑल इंडिया के आह्वान पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सभी घटक आज हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने इसकी रणनीति बनाई है। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा धारा 163। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में BNS की धारा 163 लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सभी इलाकों में 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा। आज पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि गांधी जयंती के चलते ये निर्णय लिया गया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक देश भर में अक्टूबर में कुल 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। इन सरकारी छुट्टियों में पब्लिक हॉलिडे, रीजनल हॉलिडे और रविवार व दूसरे व चौथे शनिवार को होने वाली रेगुलर हॉलिडे शामिल है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी के पद पर भर्ती निकाली है। नाबार्ड में इस पद पर कुल 108 वैकेंसी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होगा और अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। बता दें कि आवेदन नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1869 में महात्मा गांधी का गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। आज के दिन 1904 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। आज के दिन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आज के दिन 1955 में मद्रास के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रेल का पहला डिब्बा बनाया था। आज के दिन 1985 में दहेज निषेध संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।